वेलकम ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है आपके साथ। आजकल मैं देख रही हूँ अपने क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स किसी भी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, चाहे वो सांस की तकलीफ हो, चाहे पेट की तकलीफ हो, स्किन की तकलीफ हो, बट एक चीज बहुत कॉमनली मैंने देखी है कि पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें भूलने की प्रॉब्लम होती चली जा रही है। हम भूलने लगे हैं, कोई अभी एक घंटे पहले कोई चीज हुई होती है या कोई चीज हमने कहीं रखी होती है तो हम भूल जाते हैं। एंड ये जेन्युइनली एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि ये धीरे 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 बढ़ के डिमेंशिया में डेवलप हो सकता है। इसका कारण क्या है, किस वजह से ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है आजकल? सिर्फ हमारी, बड़ों की नहीं, बच्चों की। बच्चों को इतना कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम आने लगा है स्टडीज में, उनको अपने आंसर्स याद नहीं रहते एग्जामिनेशन हॉल में। जब वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो क्या कारण है इन सब चीजों का, आइए जानते हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल रोल प्ले कर रही है हम सबकी लाइफ में। कोविड के बाद से तो खासकर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज कोविड ने ना ही हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया बल्कि फिजिकल हेल्थ को तो इफेक्ट किया ही है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो साइकोसिस हो, चाहे वो फॉरगेटफुलनेस हो, डिमेंशिया हो, या फिर डिलेड मेंटल हेल्थ जो एक ग्रोइंग फीटस में होती है, ग्रोइंग बेबी में, प्रेग्नेंट वेमेन में देखी गई है कि जो मेंटल हेल्थ एक ग्रोइंग बेबी की है वो तक इफेक्ट होने लगी है आजकल। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हेल्दी खाना नहीं खा रहे, हम क्या हेल्दी फूड नहीं लेते? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई सांस का ब्रेन से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा या फिर आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी किसी कबर्ड में किसी को बंद कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, या बच्चे भी जब खेल रहे होते हैं छुपन छुपाई वगैरह, तो जब वो ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां पे एयर सर्कुलेशन नहीं होता या ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती कुछ मिनट्स के लिए, तो वो बेहोश हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ मिनट्स तक तो हमारा ब्रेन जो है विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो पॉल्यूटेड एयर है ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। जब आप सांस लेते हैं और सांस हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग छोड़ते हैं, तो एक गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है ओवरऑल हमारी बॉडी में। आपको पता ही है कि बाहर पूरा का पूरा एक चैम्बर ऑफ टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ हुआ है आजकल, और बहुत गैसेस हैं, बहुत एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे अंदर तक जाते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। वो सिर्फ हमारे लंग्स को ही डैमेज नहीं कर रहे, वो ओवरऑल हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो मेमोरी सेंटर होता है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वही हमारे ब्रेन में भी जाती है। तो अगर वो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे ब्रेन तक जाएंगे तो वो नेचुरली हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धीरे धीरे करके हमारा जो मेमोरी सेंटर है उसमें से हमारी मेमोरी जो है, जो हम याद करते हैं चीजें, वो डिप्लीट होने लगती है, डिट्यूरेट हो जाती है हमारी मेंटल हेल्थ। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मेंटल डिसऑर्डर्स का, मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग बहुत बात करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ही एक ऐसी बेस्ट मेडिकल साइंस है जिसमें मेंटल इश्यूज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब आप हमारे क्लिनिक में आते हैं, जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं, हम आपके बहुत सारे मेंटल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। एक पूरी लिस्ट होती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड ना होके ज्यादातर आपकी मेंटल हेल्थ पे होती है।
ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आपको एक एक चीज अपने डॉक्टर से, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करनी बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी होती हैं। आपके फियर्स, आपकी एंजाइटी, आपका आपकी मेमोरी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज से आजकल लोग बाग जूझ रहे हैं। बड़े बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडीज, सबको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साइकोसिस की मैं यहां बात करना चाहूंगी स्पेशली। आजकल साइकोटिक केसेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। साइकोसिस में फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं या ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो नॉर्मली दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देती। तो कई लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो पागल हो गया है, इसको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बट इस इशू को आप लोग अवॉइड ना करें, ये इशू बहुत सीरियस इशू है। ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है, ये कोई सुपर पावर वाली बात नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ इशू है। साइकोसिस प्रॉब्लम होना एक मेंटल हेल्थ इशू है, ये एक डिसऑर्डर है। बच्चों को एग्जाम्स के टाइम पे फियर्स होना, एंग्जाइटीज होना, नर्वसनेस होना, और उस नर्वसनेस एंग्जाइटी की वजह से फेंट हो जाना, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब मेंटल हेल्थ में आते हैं। और अगर आपने अभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया मेंटल डिसऑर्डर्स पे, तो आगे जाके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए बन सकती है जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर सकती है। होम्योपैथी के साथ साथ यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि देखिए सिर्फ एक मेडिसिन लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो सकती है, आपको एक काउंसलर की जरूरत हो सकती है, जो कि आपको एक सही दिशा दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हमें आपको लिख के देने पड़ सकते हैं या फिर प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं कि जिससे आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। सप्लीमेंट्स और मेडिसिंस में डिफरेंस होता है। सप्लीमेंट्स एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है उनकी हेल्थ के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप खाना छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरी दवाइयां खाइए, तो आपको लगेगा नहीं कि डॉक्टर क्या बात कर रही है, क्या दवाइयों पे जीवन जिया जा सकता है। आपके लिए जितना खाना खाना जरूरी है उतना ही जरूरी है सप्लीमेंट्स का आपकी मेडिसिंस के साथ चलना, आपके फूड के साथ चलना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डाइट में वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं जा रही हो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो आपको एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि किस तरीके से आपकी ये मेंटल हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है और आपको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इर्रिवर्सिबल होते हैं और उसमें होम्योपैथी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आप जो बहुत स्ट्रांग मेडिकेशंस पे होते हैं डिप्रेशन के लिए, आप अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी लेते हैं जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से वो सारी डिस्कस कीजिए मेडिसिंस कि आप क्या क्या ले रहे हैं। आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जरूर गाइड करेंगे कि ये मेडिसिंस अभी बंद नहीं करनी, धीरे धीरे जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिंस का असर आपकी बॉडी पे आने लगेगा, आपके डॉक्टर की सलाह पे उनको हम लोग धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हैं। आपके लिए वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी बहुत जरूरी है। पानी पीना कम मत करिए, हमारी बॉडी 70% जो है पानी है, और पानी पीना मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मेरी ये कुछ जो छोटी छोटी सलाह है अगर आपके लिए यूजफुल हैं, आपके आगे कोई फ्रेंड्स फैमिली में ऐसे लोग हैं जो इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हमसे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशंस की जरूरत है
तो आप लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशंस और हमारे क्लिनिक में आपके विजिट्स ओपन हैं। आपको जैसे सुविधा हो आप हमारी हेल्प के लिए, हमारी कंसल्टेशन के लिए, मेडिसिन्स के लिए हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स करा सकते हैं अपनी कंसल्टेशंस की। सो फ्रेंड्स, वी आर देयर फॉर यू एंड यू जस्ट हैव टू रीच अस। आपको कोई भी किसी तरीके की मदद होम्योपैथी में चाहिए, सो एस होम्योपैथी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ओवरऑल होम्योपैथी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।